नमस्कार, बॉबी जाम मेनेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। काला हिरन केस, सैफ तब्बू समेत 5 आरोपियों को हाई कोर्ट का नया नोटिस। बॉलीवुड के इन सेलिब्रिटीज के लिए काला हिरन केस सर दर्द बना हुआ है। आए दिन नए नए मुश्किलें सामने आती रहती है। हाई कोर्ट ने अब इनके खिलाफ एक नया नोटिस जारी किया है। काला हिरन शिकार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम तब्बू और दुष्यंत सिंह को यह नोटिस भेजा है। सीजेएम कोर्ट द्वारा इन लोगों के बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जिसकी 8 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। हालांकि पिछले साल अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 में 2 काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाया गया था। राज्य सरकार ने आरोपियों को बरे किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम तब्बू और दुष्यंत सिंह को नोटिस जारी किया है। सलमान खान को वर्ष 1998 में 2 काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाया गया था और अप्रैल 2018 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। यह घटना उस समय की है जब सलमान खान और बाकी अभिनेता राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग करने गए थे। जानकारी के मुताबिक उस रात सारे कलाकार जिप्सी में सवार थे, जिसे सलमान खान चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से 2 हिरण मारे गए थे। रिलीज से पहले यहां रखी गई पीएम मोदी की बायोपिक की स्पेशल स्क्रीनिंग। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, बीती शाम से एग्जिट पोल का आना भी शुरू हो गया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जो बीजेपी के मुख्यालय में होगी। वहीं उससे पहले ही पीएम मोदी की बायोपिक का एक और पोस्टर लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च इवेंट में विवेक ओबेरॉय के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्चतम न्यायालय ने भी इस बायोपिक के रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब यह फिल्म 24 मई को रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका प्रदर्शन चुनाव तक स्थगित किए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि यह फिल्म भाजपा को चुनाव में फायदा देगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।